गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ शर्मा पंड्या और आज की वीडियो है क्रेजी वीडियो। सो यस, मैंने इंस्टाग्राम पे आप लोगों को पूछा था कि एलियन लुक करूँ या जेब्रा लुक करूँ। आई नो एलियन के ज़्यादा लोग ने चूज़ किया, बट मेरे पास जेब्रा का ये लुक के लिए रेडी है ऑलरेडी। सो ये मैंने बनाया ही है खुद में। सो मैं आपको आगे बताऊँगी ये मैंने कैसे बनाया, ठीक है। सो मेरे पास रेडी था तो मैंने सोचा कि फटफट वीडियो शूट करना है, और मैंने काफ़ी लेट कर दिया वीडियो शूट करने के लिए, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। सो फाइनली अब मैं थोड़ा फ्री हूँ और मुझे थोड़ा ओसीडी था तो मैंने सब ठीक भी कर लिया है फाइनली मेरा रूम वगैरह। सो अभी मैं फाइनली शूट कर रही हूँ। सो हाँ, मैं आज जेब्रा लुक कर रही हूँ, और मैंने आपको प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो पे भी मैं अभी जो नेक्स्ट लुक रहेगा वो क्रिएटिव लुक करूँगी और वो फेस पेंट यूज़ करूँगी। तो ये एथेंटिक का फेस पेंट है जो कि मैं आज यूज़ करने वाली हूँ। आपको मैं उसके कलर्स भी बता दूँ, काफ़ी कूल कलर्स है और बहुत ऑसम है। ये देखो मैंने ये वाला एथेंटिक का लिया है एंड आपको कलर्स भी बता देती हूँ, ठीक है। ये फेस पेंट है बेसिकली, ये काफ़ी प्रोफेशनल यूज़ के लिए किया जाता है। जो यू नो मेकअप आर्टिस्ट किसी और को यू नो CID वगैरह या फिर ज़ॉम्बी मूवी के लिए शूट विट करते हैं तो ये सारे पैलेट्स यूज़ करते हैं। नॉर्मली यूज़ करने की हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, आप लोग को था कि फेस पेंट से कैसा लुक एनहांस होता है और कैसा लगता है। सो मैंने इस वीडियो पे फेस पेंट यूज़ किया है। वेस्ट करते हुए टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो देखते हैं कैसे करता है और कैसे यूज़ करता है फेस पेंट। सो गाइस कोई भी सीरम फेस पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट केमिकल अप्लाई करोगे आपके फेस पे कोई भी सीरम हो, ठीक है, कोई भी, तो आपके स्किन पे रिएक्शन आ सकता है। अगर सेंसिटिव रहेगा तो आपकी स्किन ज़्यादा से ज़्यादा रेड हो जाएगी, पिंपल्स भी आएंगे, बहुत कुछ होगा। और ये सारे एरियाज पे आपको जब प्रोडक्ट शूट नहीं होता ना तो पिंपल्स आते, तो कभी भी हाथ पे लेके करो, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग मैंने देखा है जो कि ब्लॉगर्स है वो डायरेक्ट लेके फेस पे लगाते हैं। लेकिन मैंने खुद ने भी ये किया था, बट मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि ऐसे नहीं अप्लाई करते। सो आप लोगों को भी मैं शेयर कर लूँ कि आपको कुछ ना करके, तो ये चीज़ याद रखना। तो गाइस ये मेरा पर्सनली खुद का अकेले का प्रोडक्ट है, इसके लिए मैं डायरेक्ट ऐसे अप्लाई कर रही हूँ कि मैंने फेस वॉश किया है और ऑब्वियसली मैं यूज़ करने वाली, तो मुझे कोई इशू नहीं है। अगर आप एक ब्लॉगर हो, मतलब मेकअप आर्टिस्ट हो, अगर तो अगर आप मेकअप शेयर भी करने वाले हो किसी और के साथ, तो प्लीज़ ऐसे यूज़ मत करना। किसी और का स्किन का कुछ भी इशूज़ रहेगा, पिंपल वगैरह के इशूज़ वापस आ सकता है, तो आपके प्रोडक्ट सिर्फ आपके तक ही रखना। अगर शेयर कर रहे हो तो ये लेने का आपको एक पैलेट पे निकालने का, ठीक है, एक स्टील का पैलेट आता है या फिर बाउल में निकालो और उसके बाद आप लेके पहले आपके हाथ के ऊपर अप्लाई करना, उसके बाद फेस पे, ठीक है। सो ये रहा मेरा प्राइमर। मॉइस्चराइज मैंने पहले कर लिया था, निविया क्रीम मैंने लगा लिया था, तो मुझे इसके बाद मैंने वापस प्राइमर लगाया, दो प्राइमर लगाया मैंने, और अभी आगे काम फर्दर करते हैं। अगर आप फेस पेंट यूज़ नहीं करते हो तो आपको पहले कंसीलर अप्लाई करना है, उसके बाद आपको आई शेडो से भी करना है। आप मेरा काओ का रेफरेंस वीडियो है वो देख लेना, वो भी सेम व्हाइट और ब्लैक लुक में ही था, सो आप वो रेफरेंस ले सकते हो। और उसकी जगह आप लाइनर यूज़ कर सकते हो, लाइक पाउडर लगा के। ये मैं फेस पेंट इसके लिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, इसके लिए मैंने फेस पेंट यूज़ करी इस वीडियो पे। सो ये लुक का ग्लो ज़्यादा डिफरेंट रहेगा और काफ़ी ज़्यादा, ये वेयर करके हम निकल सकते हैं, ठीक है, ये ऐसा है। और वो पाउडर वाला रहता है जो जल्दी बोलता ना, वो सिर्फ आपको फोटो शूट करने के लिए वगैरह, ठीक है। आप देख सकते हो मेरे आईब्रो स्टिक हो चुके एकदम, ठीक है, हरी हरी नहीं लग रहा है, सिर्फ पूरा स्टिक हो चुका है। तो आगे का लुक फर्दर करता है, अभी डायरेक्ट फेस पेंट यूज़ करेंगे। फेस पेंट ले लिया वाइट कलर, इसे है ना हमें डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना रहता कि अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और ये पेंट काफ़ी अलग तरीके से किया जाता है, सब डायरेक्ट नॉर्मल ऐसे कैसे यू नो बुक पे पेंटिंग करते हो वैसे ये पेंट आपके फेस पे करना रहता है। तो मैं अपना पूरा फेस वाइट करने वाली हूँ क्योंकि ज़ेब्रा स्टार्टिंग से वाइट रहता है, तो पूरा फेस मैं वाइट करूँ फटाफट एंड अभी मूव बन।
गाइस मुझे ज़ेब्रा का बार बार इमेज देखना पड़ रहा है, सो पहले मैं थोड़ा यू नो रफ आउटलाइन दे रही थी अपने फेस पे, उसके बाद मैं डार्क करते हुए आपको वीडियो शूट करके बताते हैं। मुझे लिटरली इमेज याद नहीं रह रहा और मुझे इधर थोड़ा कलर मिक्स कर करके बनाना पड़ रहा है, क्योंकि सारे कलर्स है इतने तो बट तो भी आधे कलर्स जैसे कि लाइट ब्राउन है उसको ब्लैक करके डार्क ब्राउन किया, सो आगे का देखते जाइए ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम देगा। सो गाइस मैंने इतना किया है बट मुझे लिटरली मैं सब बताऊँ ना इतना हार्ड लग रहा है ये फेस पेंट करना, मुझे लगा कि यू नो ऐसे हो जाएगा बट आई शेडो से जल्दी हो रहा पाएगा, ये मुझे लिटरली काफ़ी टाइम लग रहा है एंड मैं लिटरली यू नो 3 आवर्स हो चुका है एंड अभी तक मेरा मेकअप का हाफ तक नहीं हुआ है, मतलब मैं वाट करने वाली हूँ उसको मैं हो आगे कंटिन्यू कर लूँ, मैंने इतना कर दिया अभी ये सर का मैं बता दूँगी।
गाइज आई होप मैं ये लुक कम्प्लीट कर पाई हूँ। मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट था इस लुक को करने के लिए, लाइक मेरे ये देख रहे हो मुझे कितना स्वेट हो रहा है, लाइक कि इसको 10 मिनट भी नहीं हुआ है। एंड आई होप कि मैं ये लुक कर पाई हूँ, और आपको 10 में से आप मुझे कितना मार्क्स देना चाहते हो मुझे बताना, और कमेंट्स में नीचे बताओ कि कैसा लगा ये लुक। मैं अपने आपको 9 मार्क्स तो दे ही दूँगी, 1 मार्क्स ये चीज़ के लिए मैं कट कर रही हूँ अपना, क्योंकि मेरा ये चला गया। एंड आई होप आपको ये मेरा लुक पसंद आया हो। तो अगर ये लुक मेरा पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, बाकी लोग को भी शेयर करना, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना मेरे चैनल को। तो तब तक के मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो एलियन लुक के लिए रहेगा, मैंने प्रॉमिस किया था, तो एलियन लुक मैं नेक्स्ट लुक करूंगी। बट इस वीडियो को आपको ऑलमोस्ट 100 लाइक्स देना पड़ेगा, ठीक है? और ये मैंने फर्स्ट टाइम फेसमेंट ट्राई किया है, इसके लिए काफ़ी हैट्रिक था। और ओ अपने सारे मेरे ओनेस्ट ओपिनियन मैं बता रही हूँ, इतना सारा फेसमेंट मेरा यूज़ हो चुका, मतलब अगर आप ये बाय करते हो फेसमेंट तो आप उसको ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? मुझे लगा कि फेस पेंट से इतना क्विक मेकअप हो जाएगा, लाइक कि लेके सीधा टाप 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 टाप, जैसे मैं इंस्टाग्राम के रील्स में देख रही थी, बट ये काफ़ी हार्ड है। हेड्स ऑफ जिसने भी ये इससे मेकअप किया है ना, उसको हेड्स ऑफ, मतलब ये देख रहे हो आप नेक का कितना ज़्यादा है। फेस पे कर रहे हो तो ठीक है, बट नेक का वो मैंने कितने लुक का दिखा है, कितना डिजाइन करते हैं, मतलब कैसे करते हो भाई, कैसे करते हो, मुझसे ये भी नहीं हो रहा है, छोटा सा आउटलाइन वगैरह ये देख रहे हो कितना ख़राब हो चुका है। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक कर दो, शेयर करो, और थोड़ा सेफ रहना, और बाहर जा रहे हो खा रहे हो मेरे घर तो प्लीज़ थोड़ा सैनिटाइज करके जाना। तब तक के लिए मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहना, मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो पे बहुत जल्द, जैसे आप 100 लाइक्स कंप्लीट करोगे, ठीक है? सो तो इसी मेकअप करने के लिए मुझे 5 आवर्स गए, 5 आवर्स मतलब मैं कंटाल चुकी हूँ इस मेकअप को कर करके। मैंने लिटरली उसमें 5-5, 10-10 मिनट का बीच में ब्रेक लिया है, क्योंकि मुझे तो ज़ेब्रा का इमेज बार बार देख देख के करना पड़ रहा है। मैं नहीं हूँ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, बट मैंने ट्राई किया है, आई होप कि मैंने ट्राई किया है, बट ठीक ठाक तो हो ही गया है, ठीक है? ज़ेब्रा तो लग ही रही हूँ, और पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं घोड़ी लग रही हूँ, बट अभी मैं मतलब हॉर्स लग रही हूँ, बट अभी मुझे लग रहा है कि मैं ज़ेब्रा लग रही हूँ। तो आई होप कि ये लुक आपको पसंद आया हो। ये देखो मैंने डिटेलिंग किया है, ये लाइट ब्राउन है, ठीक है, और इधर डार्क ब्राउन मतलब ब्लैक, और इसको मिक्स किया था और उसके बाद अप्लाई किया था, ये ब्लैक किया, उसके बाद मैं छोटा सा जो डॉट है वाइट लाइन लिया है, ये वाइट ब्लैक का लाइन है, और ये डॉट डॉट है, ब्लैक भी डॉट है, बीच में वाइट लाइन है, तो थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक लगे, आई होप कि ये लग रहा हो ऐसे कुछ ज़ेब्रा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और 100 लाइक होगा वैसे ही मैं एलियन लुक पोस्ट करूँगी। नेक्स्ट वीक क्रिएटिव लुक ही ला रही हूँ, मैंने बोला था कि मैं ग्लैम लुक लाऊंगी, सो अगर मैं आज बैठूंगी दूसरा वीडियो शूट करने तो नेक्स्ट वीडियो ग्लैम लुक होगा, और 100 लाइक्स जैसे क्रॉस कर लिया आप लोग ने तो नेक्स्ट लुक मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं एलियन लुक लाऊंगी। सो तब तक के लिए 100 लाइक्स का टारगेट है कंप्लीट कर देना, हो सके पसंद आए तो लाइक कर देना। ये भी मैंने होममेड ही बनाया है, सो ये DIY ही बोल सकते हो आप ये सब चीज़ का। ये चीज़ अगर आपके पास फेस पेंट नहीं है तो आप पाउडर यूज़ कर सकते हो, लैक्मे का लाइनर से भी कर सकते हो, आपके ऊपर है टोटल ऑप्शन। आई शेडो ऐसे टैप नहीं होगा, पाउडर भी ऐसे टैप नहीं होगा, पहले आपको कंसीलर अप्लाई करने पड़ेगा, क्योंकि वो क्रीम बेस रहता है, ठीक है? जैसे कि वो अप्लाई कर लोगे ना, उसके ऊपर आपका पाउडर सेट हो जाएगा, उसके बाद आप लाइनर से कर लेना, फिर आपका बन जाएगा। इसके लिए आप डार्क ब्राउन आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो, तो आपके ऊपर है, आप कर लेना जैसे भी एडजस्ट करके। मैंने आपको सिर्फ आइडिया दे दिया है, होप आपको ये लुक पसंद आया होगा। ये मैंने इसके लिए DIY नहीं किया, क्योंकि आप लोग को देखना था फेस पेंट कैसा रहता है, ठीक है? ये ऐसा कुछ क्रीमी टेक्सचर रहता है, ठीक है? और यही चीज़ मैं फेस पेंट नहीं करती ना, तो वो डिफरेंट लुक आता है, इसका डिफरेंट लुक है, ठीक है? ये पूरा देख रहे हो कैसा लुक आ रहा है, बीच बीच में देख रहे हो फेस पेंट, ये पूरा क्रीम बेस रहता है, ठीक है? आपको स्वेट भी आए ना और अपनी उंगली किया ना तो पूरा निकल जाएगा, ठीक है? मतलब ये देखो मुझे स्वेट आ रहा है, तो मेरा कैसा हो रहा है, मतलब मिक्स हो रहा है कलर है, फिर से मुझे करना पड़ रहा है ज़ेब्रा लुक के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक तो कर ही देना, सब्सक्राइब कर देना नहीं हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आओ जो टाटा।